हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर टेक्नो मोबाइल में प्ले स्टोर नहीं चल रहा है, नॉट ओपनिंग वाली या नॉट वर्किंग वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो कैसे आप सही कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए क्या करना है इसे सही करने के लिए। मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, फिर आपको आ जाना है थोड़ा नीचे, और यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगी ऐप मैनेजमेंट, ऐप मैनेजर, जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं। आपको दोस्तों इस सेटिंग पे क्लिक करना है, फिर आपको ऐप लिस्ट पे क्लिक करना है। देखिए जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं यहाँ पर आप आ जाएंगे। अगर यहाँ पर आने में इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देखिए फिर से सेटिंग में जाना है। और दूसरा तरीका यहाँ पर है, देखिए सर्च बार में क्लिक करके लिखेंगे ऐप, तो यहाँ ऐप लिस्ट या ऐप मैनेजमेंट नाम की सेटिंग मिल जाएगी। अब बारी बारी से क्लिक करके चेक कर लेना कि कहाँ पर वो वाली सेटिंग है। तो हम ऐप लिस्ट पे क्लिक करते हैं, ऐप लिस्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए यहीं पर आ चुके हैं दूसरे तरीके से भी। तो आप किसी भी तरीके से यहाँ पर आ जाना जहाँ पर आपके सभी ऐप रहते हैं। अब आपको आना है थोड़ा नीचे जी पर, जहाँ गूगल प्ले स्टोर मिलेगा, तो यहाँ पर है जी पर आएंगे तो मिलेगा, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्टोरेज यूजेज पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको क्लियर डेटा और ओके कर देना है, फिर बैक आना है, फिर फोर्स स्टॉप पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना है, फिर बैक आना है। इसी तरीके से आपको गूगल देखिए प्ले सर्विसेज नाम की एक ऐप मिलेगा, इस पर भी क्लिक करना है। स्टोरेज यूजेज इस पर भी क्लिक करना है, फिर क्लियर डेटा, और फिर यहां से क्लियर डेटा और ओके कर देना है। जैसे इतना आप कर देते हैं आपको बैक आना है मोबाइल के होम स्क्रीन पर। और गाइस, अब आपको सिंपली प्ले स्टोर को ओपन करना है, ऐप को यहाँ पर सर्च करना है जो ऐप आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं फेसबुक लाइट को सर्च किया हूँ, अभी इसे इंस्टॉल करके देखता हूँ। चलिए इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना, पेंडिंग वाली प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन बिल्कुल भी सही हो चुकी है और ऐप भी इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और गाइस, आप भी इस तरीके से आप इसे सही कर सकते हैं और ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, कभी भी वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप प्ले स्टोर को ठीक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।